अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 9 दिन का भव्य आयोजन करवा रहा है। रामनवमी पर विभिन्न स्थानों पर होने वाले 9 दिनों के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 दिन आनंद उत्सव मनाने का विचार किया है। कार्यक्रम का आयोजन राम की पैड़ी भजन संध्या स्थल पर होंगे। कार्यक्रम में युवक और युवतियां दोनों प्रकार के खिलाड़ी भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रतिदिन 300 से 400 लोग प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि हर साल राम जन्मभूमि ट्रस्ट इस आयोजन को करवाता रहे। आयोजन में 21 किलोमीटर की साइकिल दौड़, मैराथन दौड़, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, मलखंब, आत्या पात्या, नौकायन व दंगल शामिल है। पिछले 2 नवरात्र तो कोरोना में चले गए, उसके पहले यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं था। एक रामकोट की परिक्रमा होती थी, वो भी 25 साल से चल रही है, उसके पहले वो भी नहीं करते थे। स्थानीय समाज करता ही रहता है लेकिन संगठन के रूप में नहीं करते। तो ये एक पहला प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कुछ खेल कूद, ऐसे खेल कूद भी जो ओलंपिक का हिस्सा है और इसी क्षेत्र के अवध क्षेत्र के नए उभरते कथाव्यास कवि भजन गायक, नए उभरते युवकों की दौड़, मैराथन, तैराकी, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों का विचार हुआ है और ये कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए स्थान निर्धारित हो गए हैं। अधिकांश कार्यक्रम राम की पैड़ी, भजन संध्या, ये सब बाईपास पर ही हैं, वहीं होंगे। युवक और युवतियां, युवती तो नहीं, लड़कियां, दोनों प्रकार की खिलाड़ी भाग लेंगे। ऐसा अंदाज है कि प्रतिदिन 300 से 400 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सबके रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि पहली बार आयोजन कर रहे हैं, अनुभवी लोगों से पूछ पूछ कर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो भी मैं ऐसा मानता हूं कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाएंगी। मेले का काल है, आखिर के 4-5 दिन भीड़ बहुत रहेगी तो आवागमन की कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन हम ये करेंगे। और ये प्रयास करेंगे कि इस आयोजन में सुधार होता रहे और प्रतिवर्ष एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आयोजनों का हिस्सा बनता रहे। ओलंपिक खेल के अधिकारियों से संपर्क हुआ है, परामर्श हुआ है, प्रशासन के साथ संपर्क हुआ है, परामर्श हुआ है। मेले में प्रशासन को कोई कठिनाई ना हो, यात्रियों को कष्ट ना हो, यात्रियों के आवागमन में हमारा कार्यक्रम बाधक ना बने, इसका पूरा विचार है। सभी प्रकार से मिलजुल कर काम होगा। मैंने भी नया सुना है नाम आत्या पात्या, मुझे मालूम नहीं क्या है। ये सब ओलंपिक के अंग हैं। दंगल, नौकायन, नौकायन को प्रति बड़ी रुचि लगी, अगर ये सफल होता है तो एक अच्छा प्रयोग है। समुद्र में नौकायन के खेल कूद होते हैं, समुद्र की लहरों में, तो यहाँ सरयू में देखते हैं क्या होगा। हमारे डॉक्टर चैतन्य गया प्रसाद जी उपाध्याय, वो प्रतिदिन योगाभ्यास कराएंगे, योगासन प्रातःकाल, प्रतिदिन मानस पाठ होगा, संगीत, कवि सम्मेलन आदि आयोजन होंगे। लेकिन मैंने एक बात कही है, नए उभरते अपने अपने क्षेत्रों के युवक युवतियां, कवि सम्मेलन में कोई स्थापित लोग आने का कोई लाभ नहीं है। नौजवान भी आजकल कविताएं बनाते लिखते हैं और वो भी स्थानीय, उनको प्लेटफॉर्म देना, उनको मंच मिले, समाज में उनका नाम आए, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। ये चार्ट सबको मिलेगा ना, यहाँ देंगे तो इसमें लगभग टाइमिंग, स्थान, ये सारी बातें फोल्डर में लिखी हुई हैं।
तो इसकी डिटेलिंग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जिस दिन जो राम जन्मोत्सव का जो आयोजन हो रहा है,